जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, ओडिया सखा संसार चैनल को आपण समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्ण। महाशिवरात्रि एही वर्ष 2023 रे शिवरात्रि पड़ुछि 18 फेब्रुआरी शनिवार दिन पड़िबाकु जाउछि। एही वर्ष ग्रह मानक स्थिति गोचर अनुसार देखिबाकु गले राजयुग धन प्राप्तिर युग बनुअछि। महाशिवरात्रि शिवंकर प्रिय दिन, पूजा पाठर दिन। शिवंकर जेउं व्यक्ति शिवरात्रि उपवास रही स्वच्छ मनरे भोलेनाथंकर पूजा आदि करिथांती, बहुत जल्दी तांको डाक सुनिथांती भोलेनाथ एवं इच्छा पूरण मध्य होइथाय। धन सुख समृद्धि संतान सुख पाइथांती। विवाहरे जदि विलंब हेउछि सेही व्यक्ति निहाती शिवरात्रि व्रत रखिबा उचित, जो द्वारा तांकर विवाहरे आसुथिबा ग्रह श्रेष्ठ खंडन हेइ यथाशीघ्र तांकर विवाह हेइजिव। तो भिडियोटि संपूर्ण रूपे जानिबा अगर जेउमाने भी आम ओडिया सुखा संसार चैनल को नुआ आसिछन्ति, चैनलटि को सब्सक्राइब करन्तु। भिडियो जदि आपणको पसंद आसते ताहले गोटे लाइकटे करदिंतु। महाशिवरात्रि उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। सपरिवार हस खुशी रुहन्तु, एकत्रित हो रुहन्तु, आपणकर सब इच्छा यथाशीघ्र पूरण हो। देखन्तु महाशिवरात्रि फगुण मासर कृष्णपक्ष चतुर्दशी दिन पालन करा जायथे। शुक्र ग्रह जातकर ज्योति दुर्बल अछि, कमजोर स्थिति रहिछन्ति शुक्र ग्रह, तो सही व्यक्ति शिवंकर प्रत्येक सोमवार पूजा करिबा उचित एवं एही महाशिवरात्रि दिन शिवंकर पूजा निहाति करंतु। जहार जातकरे शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति रहिछि, केमिति जानिबे कि जातकरे शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति रहिछन्ति बोली? विवाहरे विलंब, कौनसी लग्जरी लाइफ जी पारुनथिबे, कौनसी सुख सुविधा पाइ पारुनथिबे, किंबा बाहाघर प्रस्ताव ही आसुनथिब, जदि भी विवाह हो गले दाम्पत्य जीवन रे कलह किंबा डिवोर्स होता, तो यही सब समस्या जो देखा तो जाने जानतु शुक्र ग्रह कौटि ना कौटि कमजोर स्थिति रही। आपण को आपणकर मनपसंद लाइफटा आपण पाइपु नहांती, तेणु एपरी व्यक्ति निहाती शिवंकर उपासना करंतु एवं शिवरात्रि व्रत निहाती रखंतु एवं व्रत रखिबा सह जागर मध्य करंतु, आपणको पई भलो। एवं शिवंकर पूजा रे शुक्र ग्रह शुभ फल प्रदान करिथांती। जदि शुक्र शुभ फल प्रदान कले व्यक्तिंकर सब इच्छा पूरण होइथाय, तांकर जीवन सुख सौभाग्य रे परिपूर्ण ही रहिथाय। शिव मंदिर जीवे शिवरात्रि दिन 108 बेलपत्र एवं सही बेलपत्र रे आपण चंदन लगेबे एवं चंदन लगे कि शिवलिंग रे आपण चढ़ेबे। मन रखंतु शिवंक पूजा रे निहाती बेलपत्र आवश्यक, जदि आपण 108 बेलपत्र पाउछंती तो बहुत भल। दुद्रा फूल चढ़ेबे एवं अरख फुलर माळ गुंथिकी आपण शिवलिंग रे चढ़ेबे, एहा करिबा द्वारा बहुत शुभ फल मिलिथाय। तुलसी पत्र भूलरे मध्य चढ़े दियंतु नहीं, यह ध्यान रखिबा उचित। प्रथमे खीर जल ढाली एवं सेथिले जदि आपण चाहिबे अल्प टिके मिश्री नचेत अल्प टिके मोहु लगे आपण शिवलिंगरे जल बा खीर अर्पण करिपारंती। महाशिवरात्रि दिन जाकर रहिबा व्रतर 100 गुणा लाभ प्राप्ति होइथाय। शिवंकर सपरिवार को मध्य स्मरण करि पूजा करिबा आवश्यक। माता पार्वती, तांकर पुत्र कार्तिकेश्वर, गणेश भगवान, नंदेश्वर सपरिवार को स्मरण करि डाकिकि आपण पूजा करिबा उचित। परिवारक नाम स्मरण करि पूजा कले भोलेनाथ प्रसन्न होइथान्ति, आशीर्वाद बहुत जल्दी देथान्ति, सही व्यक्तिंकर मनवांछित वर प्रदान करिथान्ति। शिवंक पूजारे निहाती आपण धळा वस्त्र धारण करंतु, एहा शुभ होइथाय। शिवंक पूजारे अक्षत निश्चय मिसंतु, बिना अक्षतरे पूजा करा जाय नाही शिवंक पूजारे, त
तो निहाति अक्षत मिशंतु एवं ध्यान रखंतु सही अक्षत जेमिति भंगा हे नथिबो गोटा हेथिबो अक्षत। जल अर्पण वा क्षीर अर्पण केवल पित्तल ढाळरे ही करिबा उचित नचे पित्तल कळसरे आपण करि परंती प्लास्टिक काच लोहा एसब धातु व्यवहार करंतु नाही। भगवान शिव को प्रसन्न करिबा बहुत सहज जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिखती दारिद्रता ही दूर हो जाए थे। से व्यक्ति कोटी पुण्य प्राप्ति करण बहुत जल्दी भोलेनाथ प्रसन्न होता अल्प टिके पूजा ही किंतु जदि पूजा टी आप विधि विधान अनुसार स्वच्छ मनरे गोटे विश्वास करती निहाते भोलेनाथ डाकरा सुनी थांती। एही दिन ब्रह्म मुहूर्त उठे स्नानादि करी आपण शिव मंदिर जाइके आसी साला परे आपण उपवास व्रतटा आरंभ करंतु। जदि आपण सकाळ बेला शिव मंदिर जाई परनांती तो आपण घरे रखीतिबा ठाकुरंग मध्ये आपण पूजा करि परंती एवं एही दिन केवल शिवंक भक्त रे ही मग्न हे रहिबा उचित अन्य का कथा प्रति भाविबा कथा नुहे नचे आपण करिथिबो उपवास बेकार ही पड़े जाए। तेणु निहाती आपण चाहूचंती किछि गोटे आपणकर इच्छाटा पूरण हो ताहले निहाती आपण शिव भवनकर ही ध्यान करंतु एवं सबु समय रे ही आपण ओम नमः शिवाय मन मनरे मध्ये उच्चारण करि परंती एवं जदि आपण सतरे शिव भवनकर भक्त अटंती कमेंट्स रे मध्ये ओम नमः शिवाय निहाती लेखंतु। शिवरात्रि दिन पांचमुखी रुद्राक्ष ठाकुर रखी पूजा करंतु एवं ताहा ब्राह्मण द्वारा ही पूजा करंतु। पांचमुखी रुद्राक्ष जदि चाहूचंती आपणकर सबु काम बनु केही आपणको किछि गुणीगारेरी न करंतु आपणकर दुर्भाग्यटा दूर हो सौभाग्यरे परिणत हो ताहाले एही शिवरात्रि दिन पांचमुखी रुद्राक्ष ब्राह्मण द्वारा ही पूजा करी आपण धारण करंतु। पूजा करी साला परे एवं ताहा आपण नाली सूतारे गुड़े आपण धारण करंतु आपणक पई भलो। देखंतु एहा करिबा द्वारा कौन हम ना आपणकर सबु इच्छा पूरण हेबाको लागिबो आपणकर केतटा बिगड़ी जाइला कम आपे पूरण होगाक लगे सब कम बनवाक लगे शत्रु कबल रक्षा पाइबे। तेणु निहाती आपण पांचमुखी रुद्राक्ष निज गलार धारण करते मन रखत ता कौन तल को एमती नथिबा कथा ता निजर कंठरे लगवा कथा रुद्राक्ष जदि आप धारण करुछंती निज बेकरे जो धारण करुछंती कंठरे लगवा कथा तेबे जाइना आपण रुद्राक्षर संपूर्ण शुभ फल आपण पाइपारे एवं एही दिन आपण किछि दान मध्ये करि परंती आपणक पई भल। घरे केबे भी अन्नर अभाव रहिबो नाही जदि एही दिन आपण किछि खेचुड़ी भोग बने जदि आपण दान करिवे नचित किछि चाउल असह लोकंकु जदि दान करिवे कारण शुक्र ग्रह मजबूत हेबे शिवंकर पूजा रे शुक्र ग्रह मजबूत होइतंती। तेणु निहाती आपण चाउल दान करंतु किछि खेचुड़ी भोग दान करंतु किंबा किछि पानी रो व्यवस्था मध्ये करि रखंतु आपणक पई भल। एहा सब करिबा द्वारा भोलेनाथ प्रसन्न होइतंती आपण जेंकर जहाँ भी इच्छा माने आपणकर गुप्त इच्छा जहाँ भी अछि केही संतान सुख पई चाहिदे रखिथंती केही विवाह पई चाहिदे रखिथंती केही भल जॉब पाइबा पई चाहिदे रखिथंती तो सब इच्छा आपणकर निहाती पूरण हेबो जदि आपण नीति नियम विधि विधान अनुसार जदि पूजा करिवे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।